गुड इवनिंग। तो लास्ट क्लास में अपन ने जैनिज्म की पहली क्लास कंप्लीट कर ली थी, और रिमेनिंग जो टॉपिक जैनिज्म के बचे हैं उसको मैं अभी आज की क्लास में और कल की क्लास में कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। तो जैनिज्म में अपन ने सबसे पहले देखा था, जैसे अपन ने स्टार्ट किया था, MBBS मेंस की क्लासेस चल रही है ये, ठीक है ना, वो सारी चीज़ें डिटेल में मैं आपको बता रहा हूँ। तो बुद्धिज़्म को इसके पहले अपन ने कम्प्लीट किया था, अब जैनिज़्म पर आ गए हैं अपन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक पीरियड, पोस्ट वैदिक, महाजनपद, बुद्धिज्म हो गया, अब जैनिज्म पे पर आ गए हैं, इसको अपन देख रहे हैं। और जैनिज्म में सबसे पहले अपन ने देखा था कि जैनिज्म के इतना ज़्यादा इवोल्यूशन जो हुआ आग की तरह जो जैनिज्म फैला, हालांकि बुद्धिज्म से कंपेयर में कम धीरे धीरे फैला था ये, परंतु फैला तो था, ठीक है, समय के साथ इसका भी बहुत ज़्यादा। और आज भी जैन लोग हैं, परंतु बौद्ध धर्म या बौद्ध जो धर्म है वो भारत से लगभग लगभग ख़त्म हो गया है, ठीक है। तो ये क्यों इसके कारण थे जैन धर्म के भारत में फैलने के, उसके कुछ अपन ने इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़े थे। फिर जैन तीर्थंकरों के बारे में अपन ने देखा था, तीर्थंकर कौन होते थे, वो जो ऑर्डिनरी मैन होते थे, परंतु जिन्होंने योग से और मेडिटेशन से परम ज्ञान जिसको बोलते हैं मोक्ष प्राप्त कर लिया था। और मोक्ष प्राप्त करने के बाद जो है उन्होंने अपनी शिक्षाएं अपने डिसाइपल्स को दी और उसी से समाज को आगे बढ़ाने की बात कही। तो तीर्थंकर क्या होता है, अगर ये 5 नंबर में आता है, 3 नंबर में आता है, तो आप इसको इजीली, मैंने 2-3 स्लाइड बना दी है, इसमें काफ़ी सारी डिटेल है। फिर उसके बाद अपन ने 24 तीर्थंकर, जैनियों में 24 तीर्थंकरों की बातें हैं कि 24 तीर्थंकर होते हैं, ठीक है। तीर्थंकर मतलब मार्ग प्रदर्शक, ठीक है ना, जिनको बोल सकते हैं कि ये भगवान नहीं थे। जैनियों में भगवान का कोई कंसेप्ट नहीं है, ठीक है ना, ना महावीर भगवान है ना पार्श्वनाथ भगवान है, पर ये क्या एक तीर्थंकर थे, इन्होंने अपने आप को इनलाइटमेंट कर लिया है योग के थ्रू और परम ज्ञान प्राप्त कर लिया है, ठीक है। तो गॉड नहीं है ये, और न इन्होंने अपने आप को गॉड की तरह बताया, वो तो लोग पूछने लग गए तो वो बात अलग है, परंतु ये जो है सारे जो है इन्होंने आत्म सेल्फ डिसिप्लिन से अपने आप को कंट्रोल करके, थॉट्स को कंट्रोल करके जो है परम ज्ञान की प्राप्ति करी। और क्या क्या किया था तीर्थंकरों को, क्यों तीर्थंकर कहा जाता है, ये अपन ने लास्ट क्लास में देख लिया था। टोटल 24 तीर्थंकर होते हैं, 3 तीर्थंकर 24 में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले हैं अपने ऋषभनाथ, ठीक है, या आदिनाथ जिसको बोलते हैं, दोनों सेम ही हैं। फिर है 23वें नंबर के पार्श्वनाथ और 24वें नंबर के महावीर स्वामी। इन तीनों के ही बारे में अपने को मेनली पता है और मेनली पढ़ना है, बाकी इतना कभी पूछते नहीं है, ठीक है, बाकी के बारे में कभी कोई इतनी ज़्यादा डिटेल में नहीं है। टोटल मिला के 24 तीर्थंकर है। यहाँ पर भी जो है कुछ कुछ ऐसी जो ब्राह्मण कल्चर से चीज़ें उठी हुई है, तो कहीं कहीं पे भी यहाँ पे देखेंगे 24 के 24 ही तीर्थंकर। दिगंबर जो 2 सेक्ट होते हैं जैनियों में, दिगंबर होता है, श्वेतांबर होता है, उन सबके बारे में आज देखेंगे कि 2 जो भाग होते हैं इसमें जैन धर्म में, 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक दिगंबर वाले होते हैं और एक श्वेतांबर वाले होते हैं। तो दिगंबरों के अनुसार जो 24 के 24 ही तीर्थंकर थे वो सभी के सभी जो थे वो पुरुष थे, पर श्वेतांबर जो हैं वो थोड़ा सा महिलाओं को भी वो देते थे, और महिलाओं के कारण वो ऐसा बोलते हैं कि इन 24 में से 23 तीर्थंकर जो है वो पुरुष हैं और एक तीर्थंकर जो हैं शायद 20वें हैं या 19वें हैं, अभी देख लेते हैं, वो भी आगे आएंगे। तो मलिनाथ या मालिनाथ जिसको बोलते हैं वो श्वेतांबरों के अनुसार वो एक फीमेल थी, और दिगंबरों के अनुसार वो एक मेल थे जो तीर्थंकर थे। वो क्यों समझा, उनको क्या समझा, वो सारी डिटेल अपन इसमें देखेंगे आगे, ठीक है ना। हालांकि टोटल मिला के 24 तीर्थंकर होते हैं, और दिगंबर और श्वेतांबरों में क्या विचारधाराओं में मतभेद है, या क्या विचारधारा को दिगंबर फॉलो करते हैं और क्या विचारधारा को श्वेतांबर फॉलो करते हैं, इन सभी को अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ तक अपन ने देखा कि 24 तीर्थंकर थे, 24 के 24 के नाम, उनका एलिफेंट मतलब उनका सिम्बॉल वो किस सिम्बॉल से दिए जाते हैं, और उनके बाद उनका कलर वो किस कलर के जो है चीज़ें रखते थे। तो ये 24 तीर्थंकरों के नाम है अपने टोटल फाइनली, ये 24वें महावीर स्वामी जिनका लायन था सिंबल और ये गोल्डन कलर के वस्त्र और चीज़ें को पसंद करते थे। फिर अपन ने जो 3 मेन तीर्थंकर थे उनके बारे में देखा, सबसे पहले थे ऋषभनाथ, आदिनाथ, फिर 2 नंबर पर है पार्श्वनाथ, तो ये 23वें हैं, है ना, ये पहले तीर्थंकर है, ये 23वें तीर्थंकर है और ये 24वें तीर्थंकर है, यही तीनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ऋषभनाथ के बारे में अपन ने डिटेल में देखा कि इनका जन्म कहाँ हुआ था और इनके माता पिता क्या थे और ये सब इन्होंने जीवन काल में इनका क्रोनोलॉजी क्या क्या रही। ऋषभनाथ के बाद अपन ने पार्श्वनाथ को देखा कि पार्श्वनाथ का जो जन्म था वो वाराणसी में हुआ था, और आज भी मैंने आपको बताया था, आज भी उनका घर वहाँ पर है, जो एक स्थान है देव मतलब अच्छा मंदिर की तरह बना रखा है। और इन्होंने और 24 तीर्थंकरों में से जो सबसे ज़्यादा पूजनीय हैं जो माने जाते हैं वो पार्श्वनाथ माने जाते हैं 23वें नंबर के। महावीर स्वामी जो है वो तीर्थंकर है, परंतु महावीर स्वामी जो हैं उन्होंने ही जैन धर्म को पूरे समाज से अवगत कराया था,
महावीर स्वामी के पहले जो 23 तीर्थंकर आए थे उन्होंने जैन धर्म को इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं किया। महावीर स्वामी ने ही जैन को जो है लोगों के सामने रखा कि ये है और मेरे से पहले ये 23 लोग और भी हैं, इनके बारे में भी आप देखें। तो ये तब से जो है महावीर स्वामी एक इंपॉर्टेंट व्यक्ति इसलिए हो गए क्योंकि उन्होंने जैन धर्म को सपा समाज के सामने लाए। हालांकि महावीर स्वामी तो बहुत बाद में आए, उसके पहले 23 तीर्थंकर जो है वो हजारों करोड़ों साल पहले से ही चलते आ रहे थे, ठीक है ना। तो ये हो गए। फिर आखिरी में वर्धमान महावीर, इन सब के बारे में भी अपन ने देखा कि हम कुंडल ग्राम में इनका जन्म वगैरह हुआ था, ठीक है ना। और ये सारी जो चीज़ें हैं इनके बारे में क्रोनोलॉजी अपन ने देखी थी। इनकी इनकी पत्नी का नाम, ठीक है ना, श्वेतांबर और दिगंबर में दो अलग अलग है। श्वेतांबर बोलते हैं कि महावीर स्वामी की शादी नहीं हुई थी, सॉरी दिगंबर बोलते हैं महावीर स्वामी की शादी वगैरह नहीं हुई थी, जबकि श्वेतांबर बोलते शादी हुई थी और उनका जो है उनकी एक बेटी भी हुई थी जिसका नाम प्रियदर्शनी था। और प्रियदर्शनी की जिस का जो जो हस्बैंड थे जो मतलब महावीर स्वामी के जो दामाद थे वो थे जामली नाम के, और यही महावीर स्वामी के भविष्य में पहले अनुयायी बने। और ये सारी चीज़ें अपन ने महावीर स्वामी के बारे में देखी थी पूरी, ठीक है। उन्होंने कैसे उनको जो है केवल ज्ञान और ये सब प्राप्त हुआ, ये सारी डिटेल जो है मैंने लास्ट क्लास में आपको डिटेल में पूरी करा दी थी। तो कोशिश करें मेरी लास्ट क्लास की जैनिज्म की देखने की और उससे चीज़ें ले लें, ठीक है ना। आप क्रोनोलॉजी में चलेंगे, एक के बाद एक चलेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी और समझ में आएगा कैसे कैसे, और याद करने की ज़रूरत भी नहीं, जो मैं बोल रहा हूँ उसी से आपको सारा याद हो जाएगा। अब अपन बात करेंगे क्या जैनिज्म के फैलने की, ठीक है ना। जो शुरू में मैंने 9 पॉइंट बताए थे वो 9 पॉइंट तो आपको याद रखनी है, वो तो बेसिक पॉइंट है। उसके अलावा भी कुछ और पॉइंट थे जो मेरे को डिस्कस करना था, जैसे बुद्धिज़्म में मैंने ये किया था, जो बेसिक 9 पॉइंट है वो तो मैंने आपको डिस्कस कराए थे वहाँ पे भी, परंतु कुछ और मेजर पॉइंट जो बुद्धिज़्म के लिए इंपॉर्टेंट थे फैलने के लिए, उसको मैंने एक अलग से स्लाइड भी ले ली थी, यहाँ पर भी मैंने वही किया है। तो देख लेंगे जैनिज़्म के कुछ और क्या कारण थे इस फैलने के। तो पहली स्लाइड में जो है जो मैंने आपको बताया था वो तो आपको करना ही है, ठीक है, वो तो आपको उतना तो करना ही है, ठीक है। आगे पास समझ में। तो महावीर ऑर्गेनाइज एन ऑर्डर ऑफ हिज फॉलोअर विच इज़ एडमिटेड बोथ मैन एंड वुमेन, ठीक है ना। तो महावीर ने क्या किया कि मैन और वुमेन, महिला और पुरुष दोनों को जो है एक्सेप्ट किया, जिसके कारण जो है इनकी प्रबुद्ध जिन जो इनकी प्रसिद्धि हो जल्दी जल्दी फैली। जैन कैजुअल स्प्रेड फ्रॉम वेस्टर्न इंडिया वाज द ब्राह्मण रिजनस वर्विक। सबसे पहले जैन कहाँ पर फैले, तो सबसे पहले जैन फैले वेस्टर्न इंडिया में। वेस्टर्न इंडिया बोले तो क्योंकि जो जो सेंट्रल इंडिया था, ये उत्तर प्रदेश बिहार वाला जो ये वाला नॉर्थ वाला इंडिया था, इस इंडिया इस वाले में तो ब्राह्मण कल्चर बहुत ज़्यादा था। मगध वगैरह महापंचायतें थी और राजा महाराजा सब ब्राह्मण कल्चर को फॉलो करते थे जो वैदिक कल्चर से चला आ रहा था। परंतु जिसके अलावा जो दूर वाले क्षेत्र थे जैसे राजस्थान वगैरह और इधर मध्य प्रदेश और ये वाले जो एरिया थे, यहाँ पे जो है ब्राह्मण कल्चर इतना ज़्यादा वो नहीं था, डेवलप नहीं था, जिसके कारण जो जो वीक क्षेत्र थे जैनिज्म ने सबसे पहले उसको टारगेट किया और वहाँ से लोगों को उठाना, ग्रुप बनाना या लोगों को एक्सेप्ट करना चालू किया, ठीक है। तो जनरली ये वेस्टर्न इंडिया के लोगों का। जैन अडॉप्टेड द प्राकृत लैंग्वेज फॉर द मास डॉक्टरिन एंड डिस्कार्ड संस्कृत, ठीक है ना। तो जिस प्रकार से गौतम बुद्ध ने पाली भाषा का प्रयोग किया था ब्राह्मण कल्चर को ख़त्म करने के लिए, या संस्कृत की जो भाषा ब्राह्मण लोग यूज़ करते थे वो लोगों को समझ में आती नहीं थी, परंतु जो पाली भाषा थी वो सब आम जनजीवन की भाषा थी, इसलिए जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने पाली भाषा में जो है अपने व्याख्यान दिए। उसी प्रकार से महावीर स्वामी ने जो है प्राकृत भाषा का प्रयोग किया और प्राकृत भाषा में अपने शुरुआती जो है जितने भी जो वो हैं, प्राकृत भाषा लोकल जनों की भाषा थी इस एरिए की, इस वजह से लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया, लोग उससे जुड़े, ठीक है ना। और संस्कृत को जो है उस लोग जानते भी नहीं थे, यहाँ पे भी वो स्थिति थी जो वहाँ थी गौतम बुद्ध के समय, तो लोग जो है इसकी तरफ दौड़े और इससे जुड़े। ये लिख रखा है। द स्प्रेड ऑफ जैनिज्म इन कर्नाटक इज एट्रीब्यूट टू द चंद्रगुप्त मौर्य हु बिकम द जैनस एंड गेव अप हिज थ्रोन एंड स्पेंड द लास्ट इयर्स ऑफ हिज लाइफ इन कर्नाटक एज अ जैनिज्म एसेटिक, ठीक है ना। ये एक कहानी है जो मैं मौर्य डायनेस्टी में भी पढ़ूंगा, अभी भी आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। चंद्रगुप्त मौर्य ने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म को अपना लिया था, और जैन धर्म को अपनाने के बाद वो पूरी तरीके से जैनिज्म को फॉलो करने लग गया था। और अंत में भी उसने जो अपने जब देह त्यागते हैं तो जैनियों में एक विधि होती है जिसको संलेखना विधि कहते हैं, जिसमें ये होता है कि जैसे जो ऋषि मुनि अगर सॉरी मुनि जो होते हैं जैन मुनि, जब जीवन को उनको लगता है कि अब अंत निश्चित है या अंत पास में आ रहा है, तो वो लोग क्या करते हैं धीरे धीरे अपने जो जरूरी सामान होते हैं खाने पीने की उसको कम करते जाते हैं। तो समझ में आ रही ना बात, धीरे धीरे मतलब अपने आप को जो है भूखे रखना और चीज़ों को कम कर देना ताकि अपने आप ही जो है बॉडी जो है धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ती चली जाए, ठीक है ना। तो ये एक कंसेप्ट होता है। हालांकि जो कोर्ट वगैरह हैं अभी बहुत सारे उस पर कोर्ट ने भी विरोध किया है, कुछ लोगों ने भी विरोध किया है कि इस प्रकार को तो ये तो सुसाइड वाली के कंसेप्ट में भी डाल सकते हैं इसको,
इतना ज़्यादा उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है कि कोर्ट में क्या कहा, फिर लोगों ने क्या कहा। ये एक विधि होती है जिसके तहत जीवन के जब अंतिम समय में, जब लगता है कि अब बहुत हो गया है और बस अब समय निश्चित है, आने वाला है, उस समय में क्या करते हैं कि लोग जो है, या जैन मुनि जो भी रहते हैं, महाराजा वगैरह, ये लोग खाना पीना जो है धीरे धीरे त्याग देते हैं धीरे धीरे। और ऐसा समय आता है कि एक समय बाद ये पूरी तरीके से अपने आप खाना पीना छोड़ देते हैं और धीरे धीरे एक दिन चले जाते हैं। तो ये एक संलेखना विधि होती है, ठीक है ना। और इस संलेखना विधि के थ्रू ही चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन का जो है देह त्याग किया था। और चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतकाल में जैन धर्म को फॉलो करने लग गया था। और ये उन्होंने जीवन के अंतकाल में जो है वो कर्नाटक जाके उन्होंने ये सारी विधि जैनियों की करी थी, ठीक है ना। तो सेकंड काज ऑफ द, तो इसके कारण क्या, चंद्रगुप्त मौर्य जब मौर्य डायनेस्टी का सबसे प्रतापी राजा भी, जब जिसको जैन को फॉलो कर रहा था, तो उससे भी जो है ये बहुत ज़्यादा जैनिज्म को पावर मिली नीचे से। द सेकंड काज ऑफ द स्प्रेड ऑफ जैनिज्म इन द साउथर्न इंडिया टू द ग्रेट फेमिन टुक प्लेस इन द मगध 200 ईयर आफ्टर द डेथ ऑफ महावीरा। द फेमिन स्टार्टेड फॉर द लास्ट 12 ईयर एंड इन द, ठीक है। तो जो फिर दूसरा कारण क्या था कि महावीर के मरने के 200 साल बाद, एक मिनट देखें आप, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड काज ऑफ द स्प्रेड ऑफ द जैनिज्म इन द साउथ इंडिया, जो दूसरा कारण था वो क्या था कि महावीर के मरने के 200 साल बाद जो नॉर्थ इंडिया में जो है ना, एक अकाल फैला, अकाल आ गया। और अकाल आने के कारण वहाँ के जो लोग हैं वो भूखमरी आ जाती, क्योंकि फसल वगैरह उगती नहीं अकाल के कारण, पानी नहीं आता, जिसके कारण क्या हुआ है, लोग वहाँ से जो है भागने लग गए। और भागने लगे तो वो नॉर्थ में अकाल आया था, तो वो किस तरफ गए, तो वो साउथ की तरफ गए। इसीलिए साउथ में जैन धर्म फैलने का कारण एक ये था कि नॉर्थ में अकाल आ गया और वो गंभीर अकाल था, 12 साल तक पानी नहीं आया, जिसके कारण लोग जो नॉर्थ इंडिया थे वो भागे नीचे की तरफ, जहाँ पर पानी था, जहाँ पर व्यवस्था थी पानी और रहने खाने की अच्छी व्यवस्था थी फसल वगैरह उगने की, तो वहाँ पर जो है लोग भागे। और नीचे जब लोग गए तो वहाँ पे जैन धर्म और बड़े बड़े जो राजा वगैरह थे, चंद्रगुप्त मौर्य जैसे राजा ऑलरेडी थे, तो वहाँ पर भी जो है जैन धर्म पनपने का एक इम्पोर्टेंट कारण रहा। ऑर्डर टू प्रोटेक्ट दिस जैन वेंट टू साउथर्न रिजर्वेशन, है ना। और जो जो लोग देखे, दो भाग हैं, ठीक है, दो भाग है, ठीक है, दो भागे। जब जब वहाँ पर अकाल आया मगध में, जब अकाल आया नॉर्थ इंडिया में, जब अकाल आया उत्तर प्रदेश बिहार के एरिया में, जब अकाल आया, तो अकाल के समय क्या हुआ, कुछ जैन जो लोग थे वो वहीं रुके और कुछ जैन जो लोग थे वो साउथ की तरफ चले गए। तो जो जैन लोग जो ऊपर रुके थे नॉर्थ में, मगध में ही रुके, और वो बोले कि नहीं, हम अकाल में भी यहीं रहेंगे, ये हमारी भूमि है और हम यहीं रहेंगे और यहीं मरेंगे चाहे जो भी हो जाए। तो भद्रबाहु के जो है, जो भद्रबाहु थे, ठीक है, तो भद्रबाहु और दो व्यक्ति थे, जो एक था भद्रबाहु और एक स्थूल भद्र। तो भद्रबाहु के लीडरशिप में कुछ लोग जो है वो साउथ की तरफ चले गए और कुछ लोग जो थे जो वहीं रुके मगध में, और वो स्थल भद्र की लीडरशिप में वहीं पर रुके। तो जो लोग नॉर्थ में रुक गए अकाल होने के बाद भी, जो लोग नॉर्थ में मगध में रुके रहे, उन लोगों को बाद में श्वेतांबर कहा गया। और जो लोग साउथ में चले गए थे पानी की खोज में भद्रबाहु की लीडरशिप में, उन लोगों को भविष्य में दिगंबर कहा गया, ठीक है ना। ये दिगंबर और श्वेतांबर का कंसेप्ट यहाँ से आया कि जो लोग अकाल के समय नॉर्थ इंडिया में रुक गए थे वो श्वेतांबर कहलाए, और जो लोग नॉर्थ इंडिया में रुकने की बजाय चले गए पानी की कमी के कारण साउथ इंडिया में, उन लोगों को दिगंबर कहा गया, ठीक है। ऊपर श्वेतांबर, नीचे दिगंबर, शुरुआती दौर में, ठीक है, ये कंसेप्ट समझ में आया। तो ये इतना है जैनिज्म को फैलने का कुछ कारण। आगे देखेंगे, जैन स्टेड इन द कलिंग इन द ओडिशा इन द फर्स्ट सेंचुरी BC एंड द फर्स्ट सेंचुरी इन एंजॉयड पेट्रोनेज ऑफ द कलिंग किंग खारवेल हू हैड डिफिटेड द प्रिंसेस ऑफ आंध्र एंड मगधा इन द सेकेंड एंड फर्स्ट सेंचुरी BC इट रिचेस टू द साउथर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु, ठीक है ना। ये वो बता रखा है कि चौथी सेंचुरी आते तक वो कलिंग में उड़ीसा तक फैल गए थे, और फर्स्ट और सेकंड सेंचुरी में वो तमिलनाडु तक पहुंच गए थे, और बाद वाली सेंचुरी में जो है मालवा, गुजरात, राजस्थान और सभी एरियों में धीरे धीरे जो है ये जैन धर्म फैलने लगा। डिड नॉट विन द एज में स्टेट पैटर्न विद द
ठीक है ना। हालांकि शुरुआती दौर में बुद्धिज्म के कंपेयर में जैन धर्म बहुत धीरे धीरे चला, बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ा, परंतु समय के साथ साथ जो है इनकी स्ट्रेटजी इतनी अच्छी थी कि ये भविष्य में भी भारत में अभी भी टिके हुए हैं, और बौद्ध धर्म जो है वो धीरे धीरे भारत से विलुप्त होना चालू हो गया था। ठीक है, यही सब लिखा हुआ है। ठीक है, तो एक तो अपना चंद्रगुप्त मौर्य तो इम्पोर्टेंट व्यक्ति यही है जिसने जैन धर्म को अपनाया, जो सबसे मेजर राजा है। इसके अलावा भी कुछ और डायनेस्टी के कुछ और राजा थे जिन्होंने अपने जैन धर्म को अपनाया था। पहली चीज़, नॉर्थ इंडिया के कुछ राजा थे जिन्होंने जैन धर्म को अपनाया था, साउथ इंडिया के कुछ राजा थे जिन्होंने जैन धर्म को अपनाया और उसे संरक्षण दिया था। ठीक है ना, तो साउथ इंडिया के जो राजा हैं, जिस वंश के राजाओं ने जो है जैन धर्म को अपनाया और उसको आगे बढ़ाया, सबसे पहले साउथ इंडिया में है कदम्बा डायनेस्टी, गंगा डायनेस्टी, अमोघवर्ष डायनेस्टी, या ये राजा का नाम है कुमारपाला, चालुक्य डायनेस्टी। इन लोगों ने जो है अपने को साउथ इंडिया में जो है जैन धर्म को अपनाया। फिर नॉर्थ इंडिया में कौन कौन से थे, बिंबिसार, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, हर्षवर्धन, अम्मा बिंदुसारा और खारवेला, ये नॉर्थ इंडिया के राजा थे, है ना। चंद्रगुप्त मौर्य और ये नॉर्थ इंडिया के राजा थे मगध वाले, जिन्होंने जैन धर्म को अपनाया था और उसको संरक्षण दिया और उसको फैलाने के लिए आगे योगदान दिया, दान दिया, सारी प्रोसेस। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो वो जो शुरू के 9 पॉइंट है उसमें आप ये पॉइंट और ऐड कर लेना। ठीक है ना, हालांकि मैंने उसमें ये पॉइंट ऑलरेडी ऐड करा रखा है रॉयल पेट्रोनेज के नाम से, और डिटेल में उसको आप इस यहाँ से ये 2 स्लाइड में डिटेल में आप उठा लेना। अब इसके बाद बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ जैनिज्म। तो जैनिज्म के डॉक्ट्राइन मतलब जैन के सिद्धांत, जैनियों के क्या सिद्धांत होते हैं उनके बारे में डिटेल में देखेंगे। ये 5 नंबर या 11 नंबर में आने वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल आ सकता है, आया भी है, तो आपको इसको एक बार देखना है डिटेल में कि डॉक्टर ये जितनी भी मैं चीज़ें स्लाइड में ला रहा हूँ ना, ये स्लाइडें बिल्कुल क्रोनोलॉजिकल जमी हुई है। पूरा जैन धर्म को मैं एक एक करके एक कहीं पर भी कुछ भी नहीं छोड़ता मेरी स्लाइड में, एक भी चीज़ ऐसी नहीं होगी आपको जो कहीं और मिलेगी और इसमें नहीं मिलेगी, क्योंकि ऑलरेडी ये सारी चीज़ें इस तरीके से बनाई गई है जिसमें सभी चीज़ें कवर कर दी गई है। तो आपको बस क्या करना है कि मेरे वीडियोस को गो थ्रू करना है। पहली बार पढ़ रहे हैं तो ये स्लाइड सफिशियंट है प्री के लिए और मेंस के लिए, दोनों के लिए। और अगर आप ऑलरेडी मेंस की तैयारी कर चुके हैं पहले, तो मेरे वीडियोज़ को आप देखें, अगर कोई नई चीज़ आपको मिलती है तो उसको अपने नोट्स में ऐड ऑन करें जिससे वो अच्छे और हो जाए। तो डॉक्ट्रिन ऑफ द जैनिज्म के बारे में बात करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है पता है, क्योंकि इंग्लिश में कोई कंटेंट ही नहीं है। एमपीपीएससी में सब जो होता है मैक्सिमम लोग जो हिंदी हिंदी के पीछे भागते हैं, पर इंग्लिश के लिए जो बेसिकली जो कंटेंट चाहिए वो किसी के पास नहीं है, और ना ही कोई पढ़ाता है ढंग का, और ना ही मतलब मेरे को खुद ही ये हमेशा ही दिक्कत आई कि ना तो कभी कंटेंट मिला, ना कोई ढंग की किताबें इतनी ज़्यादा है, कोचिंगों के नोट्स भी जो है वो सब हिंदी हिंदी में आते हैं। अब हिंदी से इंग्लिश करने में उस लेवल की इंग्लिश नहीं हो पाती, ठीक है, जो इस लेवल की आप ऑलरेडी अगर किसी किताब से एनसीईआरटी से पढ़ते हैं। ये देखिए 2-4 किताबें हैं एनसीईआरटी, इन्हीं से नोट्स बनाए जाते हैं। बहुत सारी जगह तो नोट्स भी नहीं मिलते हैं, और बहुत सारी जगह मिले वो भी ऐसे मिलते हैं कि फालतू बातें ज़्यादा लिखी हुई है, काम काम की कुछ नहीं है। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ों को मैंने एक जगह कंपाइल कर दिया है। मैक्सिमम चीज़ें जो है मैंने मेरे नोट्स से और इतने जो समय में बनाई है वो सारी मैंने यहाँ पे आपको दे दी है। तो कोशिश करें इन नोट्स को आप सीधा सीधा कर लें, क्योंकि ये नोट्स आपको और कहीं मिलने नहीं वाले इस लेवल के। ठीक है ना, आपको सब कुछ मिलेगा, ये मिलेगा वो मिलेगा। ठीक है, नोट्स और मिल भी जाएंगे ना, पर वो बताने का तरीका और वो याद करने का तरीका उनका इतना बेकार है, उन किताबों का एक्सप्लेनेशन इतना बेकार है उन नोट्स का, उन तो आपको लगेगा कि यार ये क्या है सब। ठीक है, मैं अगर पॉइंट वाइज बना रहा हूँ तो वो एक पूरा का पूरा पेज दे देते आपको। ठीक है ना, तो ये लो 4 पेज का एक बना दिया डॉक्ट्राइन ऑफ जैनिज्म पे, 4 पेज या बड़े बड़े पेज 4 पेज। अब इतना आदमी कैसे क्या करेगा, ठीक है ना, इतना समय भी नहीं है, चीज़ें आने के बाद भी याद नहीं रख पाता, इतना ज़्यादा पढ़ लेगा तो लिखेगा क्या, वो इतना समय भी नहीं है कि बार 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 करे। तो इसलिए जो इतनी चीज़ मैं लेके आ रहा हूँ वो पूरा सार है सभी चीज़ों का। ठीक है ना, आप फ्री हैं, उसके आगे भी आपको जो पढ़ना है आप पढ़ो, ठीक है, पर ये सभी का मिला के ही सब है। और आपको लगता है कि और पढ़ना तो पढ़ो आप एनसीईआरटी, और अपना नॉलेज बढ़ाओ और नई नई चीज़ें पढ़ो। ठीक है ना, तो आपको और आपके थॉट्स को और क्लियर होंगे और लिखने की जो शैली है वो और बढ़ेगी। ठीक है, पर कंटेंट तो यही मैक्सिमम आपको पूरा ये कही है, रियलिस्टिक प्लूरिज्म है ना। तो जैन डॉक्ट्राइन में 5 चीज़ों की बात की गई है, 5वीं चीज़ें मैं बात करूँगा। सबसे बेसिक जो चीज़ें होती है ना वो 2 चीज़ होती है, एक होती है अनेकांतवाद और एक होती है शायवादवाद। ठीक है ना, तो शायवाद और एकांतवाद ये 3 नंबर में और 5 नंबर में पूछे जाने योग्य है, क्योंकि ये जैनिज्म के सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्ट्रिन में आता है, सिद्धांत जिसको बोलते हैं। पहला क्या बोलता है, अनेकांतवाद का मतलब क्या होता है, रियलिस्टिक प्लूरिज्म। रियलिस्टिक प्लूरिज्म का क्या मतलब होता है,
इसका मतलब ये होता है द ऑब्जेक्ट्स हैव इनफाइनाइट मोड ऑफ एग्जिस्टेंस एंड द क्वालिटी सो दे कैन नॉट बी कम्प्लीटली ग्रेप्स इन ऑल एस्पेक्ट्स एंड मैनिफेस्टेशन बाय द फाइनाइट ह्यूमन परसेप्शन। इन्होंने ये बोला है कि कोई भी अगर वस्तु हुई, ये समझने की कोशिश करना, कोई भी जो वस्तु होती है ना, कोई भी वस्तु, किसी भी, या तो कोई थॉट्स हो या किसी भी चीज़ के बारे में आपका ज्ञान हो, ठीक है, या कुछ भी ऐसी चीज़ हो, वो उसके क्या है, एग्जिस्ट इनफाइनाइट मोड्स ऑफ एग्जिस्टेंस, वो अलग अलग प्रकार से एग्जिस्ट करती है। आप अलग तरीके से किसी चीज़ को देखते हैं, मैं अलग तरीके से किसी चीज़ को देखता हूँ, मेरे लिए जैन धर्म को देखने का तरीका अलग है, आपके लिए जैन धर्म को देखने का तरीका अलग है, मेरे लिए पेन अलग तरीके से दिखता है, आपको ये पेन अलग तरीके से दिखेगा। तो एक ही चीज़ के बहुत सारे आयाम हो सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे उसके नफा हो सकते हैं, बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है उसको समझने के लिए, इनफाइनाइट डायमेंशन और इनफाइनाइट मोड्स उसको आपको एक्सप्लेन करने के लिए मिल जाएंगे। 10 किसी एक टॉपिक पे आप जीडी करते हैं ना, ग्रुप डिस्कशन, तो 20 लोग बैठे हों किसी एक टॉपिक पर, तो 20 की 20 अलग अलग ज्ञान देंगे। अगर वहाँ पे 200 लोग बैठा देंगे तो 200 के 200 अलग ज्ञान देंगे, ठीक है, हो सकता है कि किसी के मैच हो जाए, पर इतने ज़्यादा व्यूज़ आ जाते हैं। तो मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का जो एग्जिस्टेंस है वो उसके इन्फाइनाइट रूप हो सकते हैं, उसको एक्सप्लेन करने के, उसको समझने के। तो और ह्यूमन परसेप्शन से, हर व्यक्ति के पास एक परसेप्शन होता है, मेरे लिए इस टॉपिक को समझने का एक व्यू है जो मैंने खुद अपने पढ़ाई से डेवलप किया, आपके लिए इस टॉपिक को समझने का अपना एक व्यू है जो आपने अपनी पढ़ाई से डेवलप किया और जो मेरे द्वारा पढ़ाए गए उससे डेवलप करोगे आप। ऐसे 200 लोग पढ़े बैठे हैं अपन सब लोग, वो 200 के 200 ही लोग अगर उसको परसेप्शन को समझे तो 200 के 200 समान जैन धर्म को नहीं समझा पाएंगे, ठीक है ना, मैं अलग तरीके से समझा रहा हूँ, कोई और अलग तरीके से समझाएगा। तो इसका मतलब ये होता है कि एक ही चीज़ के इनफाइनाइट एग्जिस्टेंस होते हैं, और कोई भी एक व्यक्ति, किसी भी इंडिविजुअल पर्सन, जैसे मैं हूँ तो मेरा एक परसेप्शन है, मेरा एक ही होगा, मैं 200 व्यू नहीं रख सकता अलग अलग जैन धर्म पे, पर 200 लोग एक एक व्यू तो रख सकते हैं, तो 200 व्यू हो जाएंगे, बात समझ आ गई। तो अब जैसे ये पेन है, अब मैंने इसको इस तरीके से देखा कि ये डिजिटल पेन है, आपको ये दिख रहा होगा कि यार ये तो जो है मार्कर जैसा दिख रहा है, कोई ये बोलेगा कि नहीं भैया जो है इसमें नुक नहीं है, कोई ये बोलेगा कि इसके अंदर शाही नहीं है, या मैं बोलूँगा कि इसके अंदर शाही है, कोई इसके और फ़ायदे बताएगा, कोई इसके नुकसान बता देगा, कोई बोलेगा कि यार ये तो बहुत मोटा है और पढ़ने में लिखने में बड़ी अनकंफर्टेबल होती है, राइटिंग से नहीं आती, कोई बोलता है कि नहीं ये तो बहुत अच्छा है, ईजिली बन जाते डायग्राम बन जाती है वो। तो 200 व्यू है हर टॉपिक पर, तो इतना ज़्यादा इन्फाइनाइट व्यू है, और एक इंडिविजुअल परसेप्शन या एक व्यक्ति उसको उस टॉपिक को या उस ऑब्जेक्ट के इनफाइनाइट मोड्स को समझने में असक्षम है, उसको समझाने में असक्षम है, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्ट है इनफाइनाइट मोड ऑफ एग्जिस्टेंस एंड द क्वालिटी दे कैन नॉट बी कम्प्लीटली ग्रेव्ड इन आल रिस्पेक्ट, ठीक है ना। तो वो ऑब्जेक्ट की, अब जैसे मेरा एक व्यू है तो मैं इसको इसी तरीके से इसको एक्सेप्ट करूंगा, 200 लोग हैं इसको 200 तरीके से अलग कर, मैं इसको बोल रहा हूँ कि ये ब्लैक है, आप लोग बोलेंगे कि ये रेड है, कोई बोलेगा कि नहीं ये तो ग्रीन है, कोई बोलेगा ये तो ऑरेंज है, ठीक है ना। तो अब ये 200 अलग अलग व्यू समझिए आप इस चीज़ के लिए, कि हर टॉपिक पे जैन धर्म को मान लीजिए मैं जिस तरीके से समझा रहा हूँ, कोई दूसरा दूसरे तरीके से समझाएगा, तीसरा कोई इसी चीज़ को चौथे तरीके से समझाएगा, पाँचवा कोई और एग्जाम्पल देगा, छठा कोई और चीज़ बताएगा। तो इतनी सारी चीज़ों को एक आदमी नहीं बता सकता इंडिविजुअल, इसका मतलब ये कि एक ही चीज़ के इनफाइनाइट मोड हो गए, परंतु केवल एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी उस चीज़ को ग्रैप्स नहीं कर सकती उसकी पूरी ओरिजिनलिटी का, इसीलिए इतने सारे लोग जो है अपना व्यू देते हैं उस चीज़ को, और वो सब अपूर्ण है, कोई भी पूर्ण नहीं है। इसका कहने का मतलब ये कि कोई भी इंडिविजुअल पूर्ण नहीं, क्योंकि हर ऑब्जेक्ट का इन्फाइनाइट मोड है, और आप इन्फाइनाइट मोड को नहीं समझ सकते, आप केवल एक मोड को समझ सकते, ओनली द केवलिन, और इसके अलावा केवल जो केवलिन लोग होते हैं, केवलिन मतलब जिन्हें मोक्ष मिल गया है, जिन्हें परम ज्ञान प्राप्त हो गया, वही उस पर्टिकुलर चीज़ को सभी आयामों में देख सकते हैं। इस पेन के ऊपर मेरा व्यू एक है, पर अगर महावीर स्वामी यहाँ बैठे होते हैं तो वो इसके जो 200 व्यू हैं वो उसको एक वो कर लेते हैं, कहने की बातें, ठीक है ना। तो ओरिजिनलिटी में जो क्या होता है कि जो केवलीन लोग होते हैं, जो ज्ञान, परम ज्ञान जिन्हें मिल चुका है अध्यात्म से, मतलब मेडिटेशन करके, तीर्थंकर, ओनली द केवलीन द ओमनीसेंट being can comprehend object of all aspect and manifestation, other are capable of only partial knowledge। बात समझ में आ गई, केवल जो आम जनजीवन है वो तो केवल पार्शल नॉलेज की बात करते हैं, परंतु जो केवलीन लोग हैं, जो कि जिनको केवल ज्ञान मिल गया है, जिनको परम ज्ञान मिल गया है, जिनको मोक्ष मिल गया है, जिन्हें परम जो है चक्षु खुल गए हैं जिनके, है ना, ये सब कर करके, है ना, तो उन लोगों को ही उसके सारे एक्सपर्ट पता चलते हैं। और इसी कंसेप्ट को जो है प्लूरिज्म, रियलिस्टिक प्लूरिज्म बोलते हैं। प्लूरिज्म मतलब एक ही ऑब्जेक्ट के बहुत सारे रूप और वास्तविकता, रियलिस्टिक प्लूरिज्म, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट, अनेकांतवाद इज लिटरली द डॉक्ट्रिन ऑफ नॉन वन साइडनेस और मैनीफोल्डनेस। बात समझ में आ गई, अनेकांतवाद क्या है,
ये नॉन वन साइडनेस है, जो एक तरफा है वो एक तरफा नहीं होने का कंसेप्ट है। बात समझ में आ गई होगी आपको। जैन मेटाफिजिक्स इज द रियलिस्टिक एंड रिलेटिवली प्लूरिज्म, ठीक है ना। मैटर एंड स्पिरिट आर सीन इन द सेपरेट एंड इंडिपेंडेंट रियलिटी, ठीक है ना। तो जो मैटर होता है, जो वस्तु होती है, वो जो स्पिरिट और जो आत्मा होती है, दो अलग अलग चीज़ें हैं। देयर आर इननंबरेबल ऑफ मटेरियल एटम्स एंड इननंबरेबल इंडिविजुअल सोल्स एंड ईच ऑफ दिस पजेस एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सम। जेनियो ने बोला है कि इनफाइनाइट नंबर के जो है एटम्स होते हैं, उन इनफाइनाइट नंबर की जो है आत्माएँ सोल्स होती है, और हर आत्मा और हर एटम्स में अलग अलग जो होती क्वालिटीज़ होती है, ठीक है ना। तो यही लिखा हुआ है इन्फाइनाइट नंबर, और उन सब की एक इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। ईच ऑब्जेक्ट पॉजिस इननंबरेबल पॉजिटिव एंड नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। हर एटम्स में और हर सोल्स में, हर आत्मा में, हर इंडिविजुअल में, मुझ में, आप में, कुछ पॉजिटिव चीज़ें होती, कुछ नेगेटिव चीज़ें होती है। द परमानेंट एंड द एसेंशियल क्वालिटी ऑफ द सब्सटेंस आर कॉल्ड एट्रीब्यूट्स। जो व्यक्ति की परमानेंट क्वालिटी होती है उन्हें एट्रीब्यूट्स कहा जाता है। एंड द चेंजिंग एंड द एक्सीडेंटल क्वालिटी आर कॉल्ड मोड्स। और जो चीज़ें बदलती रहती है समय के साथ साथ, जैसे मेरी हाइट, ठीक है ना, तो जो मेरा कैरेक्टर है वो तो मेरा हो गया एट्रीब्यूट्स, परंतु जो मेरी हाइट है वो हो गया एक मोड्स, ठीक है ना। तो ये इन्होंने बताया है कि अगर आप कुछ, कोई सोल है, कोई आत्मा है या कोई वस्तु है, उसमें दो प्रकार की चीज़ें होती है। एक वो चीज़ जो हमेशा परमानेंट होती है, जो उसके एट्रीब्यूट्स में होती है, और दूसरी वो चीज़ जो समय के साथ बदलती रहती है उसी एटम्स में या उसी सोल में, उसी आत्मा में, मुझ में, उसको बोलते हैं मोड्स, डिफरेंट मोड्स, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एकांतवाद, इस पूरे कंसेप्ट को जो अपन ने सीखा। दूसरा कंसेप्ट होता है अपना शैववाद। तो रियलिटी ऑफ नॉलेज, ये भी वही है, समझने की कोशिश करना, रियलिटी ऑफ नॉलेज। अकॉर्डिंग टू दिस डॉक्ट्राइन ऑल जजमेंट आर कंडीशनल, होल्डिंग गुड ओनली इन द सर्टेन कंडीशन, सर्कमस्टांसेस एंड सेंसेस, ठीक है ना। इस सिद्धांत के अनुसार जैन क्या बोलना चाहते हैं, ऑल द जजमेंट आर कंडीशनल, कि जितने भी जजमेंट होते हैं, जितने भी विचार होते हैं, जितने भी थॉट्स होते हैं, जितने भी परसेप्शन होते हैं, जितने भी विचार व्यू होते हैं किसी भी चीज़ को लेकर, वो केवल कंडीशनल्स होते हैं। उस समय क्या स्थिति है उस पर डिपेंड करते हैं। अगर स्थिति बदल गई तो आपके विचार बदल जाएंगे उस चीज़ को लेकर। ऑल द जजमेंट कंडीशन होल्डिंग गुड्स ओनली इन द सर्टेन कंडीशन सर्कमस्टांसेस, ठीक है ना। एज रियलिटी इज कॉम्प्लेक्स, जो वास्तविकता है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। नो सिंगल परसेप्शन कैन एक्सप्रेस द नेचर ऑफ द रियलिटी फुल्ली, और कोई भी एक परसेप्शन किसी भी चीज़ को, ये वही है जो पहले पढ़ रहे थे, परंतु ये नॉलेज में आता है, ठीक है ना, और वो आत्मा वगैरह में आता है। एन ऑर्डिनरी पर्सन कैन नॉट नो ऑल द क्वालिटीज ऑफ पर्टिकुलर थिंग, ठीक है ना। एक आम आदमी जो मैं हूँ या आप है, इस समाज के जो पूरे देश के जो लोग हैं, वो किसी भी एक चीज़ को पूरी तरीके से समझने में असक्षम है। ऐसा है, आप ये मत समझे कि मुझे जो है राजनीति आ गई है या मुझे जो है जैन धर्म पूरा आ गया, नहीं। अब जैन धर्म इतना है कि इसको पढ़ते पढ़ते मर जाए आदमी, ठीक है ना। बौद्ध धर्म इतना है कि उसको पढ़ते पढ़ते चार जन्म और लेने पड़े, इतना पढ़ना है। मैं आपको तीन क्लासेज में 3 घंटे में जैन धर्म ख़त्म करा रहा हूँ, वो भी मैं बहुत पढ़ा रहा हूँ, पर मेरे को लगता है कुछ, और आपको भी पता है, ठीक है ना, कि अब अगर आप और डीप में जाएंगे तो जैनियों की किताबें पढ़ लो आप, इनके अंग पढ़ लो, ठीक है ना, इनके जो ग्रंथ हैं वो सारे आप पढ़ते रहो, इतने सारे पढ़ते रहोगे तो आपका जो है क्लियर है बात। तो बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, डिटेल में तो अपन देखते जाएँ। ऑर्डिनरी मैन के पास ये व्यू नहीं होता कि वो सारी चीज़ों को देख ले पर्टिकुलर थिंग्स की। द नेचर ऑफ रियलिटी इज इनडिटर्मिनेट एंड इनफाइनाइटली कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। तो वास्तविकता में किसी भी चीज़ की जो रियलिटी होती है ना, नेचर, वो बहुत ज़्यादा इनडिटर्मिनेट है, ठीक है ना। और दूसरा, एक हाइजनबर्ग प्रिंसिपल होता है ना, अगर आपने पढ़ा हो फिजिक्स में, तो वो ये बोलते हैं कि एटम की जो वास्तविक स्थिति है उसको आप कभी भी पता नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे ही आप उसको पता करने गए इतने एटम वो खिसक जाता है, ठीक है ना। मतलब उसकी कंडीशन चेंज हो गई, अब उसकी लोकेशन बदल गई, उसकी परिस्थिति बदल गई, अब आप जो लोकेशन निकालोगे अलग होगी। थोड़े समय बाद फिर से अगर आप वही चीज़ निकालोगे ना, तो फिर अलग जगह आएगी, अलग कैलकुलेशन आएगी, अलग रिजल्ट आएगा, ठीक है। उसी प्रकार से हर चीज़ के जितने आयाम होते हैं, उतनी सारी चीज़ों को समझने के लिए मनुष्य कैपेबल नहीं है। उनको समझने केवल ज्ञान वालों के लिए और भगवान के या तीर्थंकरों के लिए संभव है। तो अगर आपको जीवन के सारे आयाम कंप्लीट करना है, परम सुख या परम ज्ञान प्राप्त करना है, तो आप केवलीन हो, ज्ञान प्राप्त करें, ठीक है ना। आप मेडिटेट करें, आप तीर्थंकरों के बनाए हुए रास्ते पर आप बढ़ें, तो आपको जो है सभी चीज़ों के सारे आयाम दिखेंगे। नहीं तो यूँ तो फिर आप अंधभक्त हो जाओगे। क्वालिटी एट एनी गिवन मोमेंट इज नेसेसरी लिमिटेड टू ओनली सर्टन एस्पेक्ट। द इनफाइनाइट एस्पेक्ट ऑफ द रियलिटी आर ऑल
रिलेटिव, देयर फॉर ऑल जजमेंट आर रिलेटिव कंडीशनल एंड लिमिटेड, ये वही बातें बोल रखी है। इट इज़ इनकरेक्ट टू से डेट एनी थिंग इज एब्सोल्यूट ट्रू और एब्सोल्यूट अनट्रू। इन्होंने जैनिज्म में बोला है कि ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि ये चीज़ सही है और ये चीज़ गलत है, ठीक है ना। एट द एंड ऑफ द डे कुछ भी चीज़ परमानेंट नहीं है। हो सकता है कि आप जिस समय में बात कर रहे हैं उस समय ऐसी स्थिति कि आपको उसको सही बोलना पड़ा, ठीक है ना, परंतु जिस ही समय बदला, परिस्थिति बदली, आपको उसे गलत डिसीजन देना पड़ा, ठीक है ना। तो कभी कभी कुछ चीज़ ट्रू होती है समय के साथ और कभी कभी वही चीज़ अनट्रू हो जाती है, ऐसा सभी चीज़ों में होता है, ठीक है ना। तो किसी को भी तीसरा जो सिद्धांत आता हुआ था न्यायवाद, न्यायवाद इज द थ्योरी ऑफ पार्शल स्टैंड पॉइंट और द व्यू पॉइंट, ठीक है। न्यायवाद द डॉक्ट्राइन ऑफ, एक मिनट, ठीक है। न्यायवाद इज द थ्योरी ऑफ पार्शल स्टैंड पॉइंट और द व्यू पॉइंट। द डॉक्ट्रिन ऑफ न्यायवाद सिग्निफाइज द सिस्टम ऑफ डिस्क्राइबिंग रियलिटी फ्रॉम द डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। न्यायवाद भी वही है, किसी भी एक सिस्टम को अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्क्राइब करने की प्रोसेस को न्यायवाद बोलते हैं। न्याय करना है ना, जैसे जज होता है वो क्या करता है, न्याय करता है, तो वो सारे सबूतों को देखता है, सारे आयामों को देखता है कि किस कंडीशन में जो है इस व्यक्ति ने मर्डर किया है ना, या किस कंडीशन में इस व्यक्ति ने जुर्म किया, क्या वो कंडीशन जो है वाकई में, मतलब कभी कभी होता है ना कि आप यूँ तो किसी का मर्डर कर दो, मार दो, तो वो मर्डर होता है, पर आप सेल्फ डिफेंस में भी जैसे कोई अपने बचाव में अगर किसी को गोली मारता है या अपनी रक्षा करता है उसमें अगर कोई मर जाता है तो वो एक अलग कंसेप्ट होता है। तो जजमेंट जो होता है ना, न्याय जो होता है, वो एक इस तरीके से दिया जाता है कि सारे आयामों को कंसिडर किया जाता है। ये वही लिख रखा है, न्यायवाद इज द थ्योरी ऑफ पार्शल स्टैंड पॉइंट और द व्यू पॉइंट। द डॉक्ट्रिन ऑफ न्यायवाद सिग्निफाइज द सिस्टम ऑफ डिस्क्राइबिंग रियलिटी फ्रॉम द डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। न्याय कैन बी अंडरस्टूड एज अ पार्शल ट्रूथ स्टेटमेंट बट दे कैन नॉट ले क्लेम ऑफ सल्यूबिलिटी। इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज अ पर्टिकुलर ओपिनियन फ्रेम्ड विद द व्यू पॉइंट, व्यू पॉइंट विच डज नॉट रूल आउट अदर व्यू पॉइंट एंड देयर फॉर एक्सप्रेशन इज द पार्शल ट्रू और ऑफ एन ऑब्जेक्ट। वही बात है, किसी न किसी व्यू पर बात कही जाएगी और जब व्यू पर बात कही जाएगी तो वो व्यू जो है वो पार्शल होगा, पूरा पूर्ण सत्य नहीं होगा, कभी सही कभी गलत। ये तीसरा सिद्धांत है अपना जैन धर्म का, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको बात समझ में आ गई होगी और यही सब चीज़ें अपने को देखना है, ठीक है ना। तो यहाँ तक अपने को समझ में आया कि जैनियों के तीन, मेजरली दो और टोटल तीन जो है सिद्धांत या डॉक्ट्राइन होते हैं। पहला होता है अनेकांतवाद, दूसरा होता है शैववाद और तीसरा होता है न्यायवाद। इन तीनों को याद रखना, इन तीनों में तीन नंबर या पांच नंबर में क्वेश्चन आपको आएगा। फिर बचता है अपना ये क्या, त्रिरत्न। अब त्रिरत्न की बात करेंगे। जैनियों में क्या होता है कि मोक्ष को प्राप्त करने के लिए, है ना, या किसी भी चीज़ को देखने, किसी भी चीज़ के बताने के लिए आपके पास तीन चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है ना, किसी भी चीज़ की समझ के लिए। देखेंगे क्या है, द थ्री ज्वेल्स ऑफ द जैन एथिक्स मस्ट बी फॉलोड टू अचीव द लिबरेशन ऑफ द साउल। और इस तीन रत्न का कंसेप्ट क्यों दिया, अगर आपको अपनी आत्मा को मुक्त करना है मोह माया से, दुनियादारी से, है ना, प्यार से, दुख से, प्रेम से, इन सभी चीज़ों से मुक्त करके, न दुख में वो ज़्यादा दुखी हो, न सुख में वो सुखी हो, इस प्रकार से वो एक जो है कांस्टेंट हो जाए चीज़ों को लेके, मुक्त हो जाए वो दुनियादारी से, पूरी मोह माया से, उस स्थिति को अटेंड करने के लिए तीन प्रकार के कंसेप्ट या तीन चीज़ों की बात कही है। और इन्हीं तीन चीज़ों को, इन तीन रत्नों को अगर आपने अपने गले में पहन लिया तो आप जो है केवलीन हो जाओगे, ठीक है ना। पहला है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन होता है राइट फेथ, है ना, भरोसा। दिस मीन्स सीइंग्स, हियरिंग एंड फीलिंग्स थिंग्स प्रॉपरली अवॉइड, है ना, इसका मतलब होता है सुनना और महसूस करने से, ठीक है ना। सम्यक दर्शन मतलब सही चीज़ अगर आपको मिले, सही चीज़ अगर आपको सुनने को मिले, देखने को मिले, तो प्रॉपरली अगर आपने अगर सही चीज़ें ली, सही चीज़ सुनी हो, सही चीज़ें अनुभव करी हो, सही से सही किया आपने, तो ये आपके परसेप्शन, प्री कंसेप्शन को ख़त्म कर देगा। फालतू की जो आपने अवधारणाएं बनाई है वो चीज़ें खत्म हो जाएगी। एंड द सुपरस्टिशन दैट गेट इन द वे ऑफ सिंगल क्लैरिटी। और जो अंधविश्वास आपको है ना, जैसे कभी कभी होता है ना कि कभी अपने को लगता है कि अगर यार ये चीज़ होगी या नहीं होगी, सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, इस प्रकार से अगर अपन सोचते हैं, परंतु अगर आपका फेथ राइट है, आपके पास फीलिंग है और आपके पास जो आपने सही चीज़ें सुनी है, सही चीज़ें पढ़ी है और सही चीज़ें आपके अनुभव है, सही चीज़ें आपको लगती है, तो आपका जो जो भरोसा है वो पक्का होता है, कॉन्फिडेंस आता है,
और उसी से जो है जो प्री कंसेप्शन है होगा कि नहीं होगा ये ख़त्म होता है। सुपरस्टिशन जो है, मान लो आपकी स्थिति खराब ही और नहीं हो रहा है तो आपको ये भी समझ में आ जाता है कि भैया फालतू हवाई किले बनाने से कोई मतलब नहीं, इसमें नहीं होगा, तो सुपरस्टिशंस भी ख़त्म हो जाते हैं। दूसरा होता है सम्यक जना, राइट नॉलेज, ठीक है ना। अगर आपको जो है आत्मा को मुक्त करना है तो आपको ज्ञान सही होना चाहिए। ज्ञान अपन लोगों के पास बहुत ज़्यादा ये फर्जी वाला, ठीक है ना, यूट्यूब पे देख रहे हैं, डिस्को डांस देख रहे हैं, ये सब नहीं। ज्ञान मतलब ईश्वर वाला ध्यान, ठीक है ना, जिसमें आप सेल्फ डिसिप्लिन्ड हो और अपनी बॉडी को और सभी लोगों को जो जो जीवन का पूरे नेचर का वास्तविक ज्ञान है उसको एक्सेप्ट करने की बात की गई है ना, यूट्यूब वाले ज्ञान को नहीं। दिस मीन्स हैविंग एन एक्यूरेट एंड सफिशिएंट नॉलेज ऑफ द रियल यूनिवर्स, है ना। नॉलेज आपको किस चीज़ का चाहिए? एक्यूरेट और सफिशिएंट नॉलेज चाहिए वास्तविक यूनिवर्स का। दिस रिक्वायर्स ए ट्रू नॉलेज ऑफ द फाइव सब्सटेंस, है ना। और इस वास्तविक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आपको जो नौ सब्सटेंस होते हैं, जो नौ पदार्थ होते हैं, उनके बारे में डीप नॉलेज चाहिए। यूनिवर्स रिक्वायर फाइव सब्सटेंस और नाइन ट्रूथ, जो नौ फाइव सब्सटेंस होते हैं और नौ जो सत्य होते हैं यूनिवर्स के, उनको आपको जो है पता है ये कौन से सत्य हैं और किसकी बात चल रही है, मैं आपको आगे अगली स्लाइड में बताने वाला हूँ। तीसरा है सम्यक चरित्र, आगे आने वाली स्लाइड में आपको ये सब चीज़ें डिटेल में और डिस्कस में मिल जाएंगी। तीसरा है सम्यक चरित्र मतलब राइट कंडक्ट, ठीक है ना। पहला तो है आप अच्छी अपना अपने आप पर विश्वास रखो, अच्छी फीलिंग रखो और मेहनत करो, ज्ञान प्राप्त करो सही, उसके बाद अपने कर्म अच्छे करो, मेहनत अच्छी करो, आपको रिजल्ट मिलेगा। यही है कंसेप्ट पूरा, ठीक है ना। दिस मीन्स टू अवॉइड हार्मिंग लिविंग बींग्स एंड फ्रीइंग वन सेल्फ फ्रॉम द अटैचमेंट एंड द अदर इम्प्योर थॉट्स ऑफ द एटीट्यूड, ठीक है ना। तो सम्यक कंडक्ट, आपको सही चीज़ें करनी है और पूरे भरोसे के साथ करनी है, किसी भी दूसरे व्यक्ति को हानि नहीं पहुंचानी है और अपने आप को सारी बंधनों से मुक्त कर देना है। तो अगर आपने ये कर लिया, पहला अगर आपने भरोसा किया खुद पे, दूसरा अगर आपने ज्ञान सही प्राप्त किया और तीसरा आपने अपने कंडक्ट, अपने कार्य, अपना जो कर्म है वो अच्छे से किया, तो आपको जो क्या है आपकी आत्मा जो है मुक्त हो जाएगी फिर, ठीक है, शांति मिलेगी आपको। होता है ना, अगर आप अच्छे से तैयारी करेंगे तो आपको चाहे सिलेक्शन हो ना हो, आप बहुत ही ज़्यादा संतुष्ट महसूस करेंगे। ये वही वाली बातें हैं, ठीक है ना। मतलब जिसका सिलेक्शन हुआ उस नहीं हो गया है ना, उससे ज़्यादा आप संतुष्ट महसूस करेंगे। कभी कभी होता है ऐसा, है ना, जो आदमी बहुत मेहनत करते हैं क्योंकि उनको ये सब चीज़ें हो जाती है। बात समझ में आ गई? तो ये है, अब अपन बात करेंगे पंच महाव्रतों की। महाव्रत, पंच महाव्रत, पंच महाव्रत क्या है, ठीक है ना। जिस प्रकार से आत्मा को मुक्त करने के लिए, जो आत्मा है उनको पूरी मोहमाया से मुक्त करने के लिए तीन रत्नों का कंसेप्ट जैनिज्म में है, उसी प्रकार उन तीन रत्नों को प्राप्त करने के लिए राइट कंडक्ट, है ना, राइट नॉलेज और राइट जो है अपना फेथ, इन तीनों को प्राप्त करने के लिए कुछ पांच व्रत आपको करने पड़ते हैं। पांच व्रत मतलब, व्रत बोले तो जैसे अपन व्रत करते हैं ना, ये वो वाले व्रत नहीं है, वो वैसे ही समझ लीजिए, पर पांच ऐसी चीज़ें हैं जो आपको करनी है जिससे आप उन तीनों को प्राप्त करेंगे और उन तीनों से आप फिर आपकी आत्मा को मुक्त करेंगे मोहमाया से, ठीक है ना। तो ये जो पांच चीज़ें अब मैं जो पढ़ा रहा हूँ, ये उन तीन रत्नों को प्राप्त करने का रास्ता है। फिर वो तीन रत्न प्राप्त हो गए तो आपकी आत्मा मुक्त हो गई, ठीक है, बात क्लियर है। तो पंच महाव्रत का कंसेप्ट है, इन ऑर्डर टू अटेन द थ्री रत्न वन हैज़ टू ऑब्जर्व पंच महाव्रत, ठीक है ना। तो ये बात हो गई। पहला जो है अहिंसा, नॉन वायलेंस। जैनियों में एक ही बात है कि अहिंसात्मक वाली बात जो है ना, और अहिंसा वाली बात जो है महावीर स्वामी ने जोड़ी थी, ठीक है ना। तो जैनियों में बस सबसे मेन चीज़ ये है और इसीलिए लोग सबसे ज़्यादा इसमें आए, क्यों, क्योंकि जैन अहिंसा परमो धर्म वाले कंसेप्ट पे चलता है और उनको हिंसा से कोई लेना देना नहीं है, और न तो पशु पशुओं पक्षियों की हिंसा या मृत्यु या बलि या इससे कोई लेना देना है, न मनुष्यों की या न बच्चों की, न औरतों की, न किसी प्रकार की, ठीक है ना। तो ये अहिंसा के पुजारी है, अहिंसा परमो धर्म लिखा भी है। जैनिज्म स्ट्रिक्टली प्रीच द वेजिटेरियनिज्म एज इट्स प्रोहिबिट द हार्मफुल किलिंग, नॉन वायलेंस इज टू ऑब्जर्व द एक्शन स्पीच एज वेल, ठीक है। जैनिज्म वेजिटेरियन होते हैं और किसी प्रकार की किलिंग का वो गलत बताते हैं, ना तो आपको नॉनवेज खाना है, ना किसी व्यक्ति या पशु की बलि देनी है, ना उसे मारना है, ना किसी व्यक्ति का मारना है, ना उसके किसी प्रकार का कोई तड़पाना है या परेशान करना है, ये जैनिज्म का पहला कंसेप्ट है। दूसरी चीज़, नॉन वायलेंस इज द ऑब्जर्व इन द, और जो नॉन वायलेंस होती है अहिंसा, यूँ नहीं कि बस मारा नहीं पर आपके विचार बहुत उग्र हैं, इसको मार देंगे, उसको मार देंगे, दीवार तोड़ देंगे, ये कर देंगे, वो ऐसा नहीं। आपके विचारों में भी जो है अहिंसा होनी चाहिए, आपके थॉट्स में अहिंसा होनी चाहिए, आपके बोलने में अहिंसा होनी चाहिए, ठीक है ना। मतलब आपको कभी नहीं करना है गुस्सा इस तरीके से, हिंसा कभी नहीं करनी, ना तो एक्शन में,
न बोलने में और न ही अपने विचारों में कभी भी आपके हिंसा आनी चाहिए, इसको बोलते हैं अहिंसा। दूसरी चीज़ सत्य, आपको हमेशा जीवन भर सत्य का पालन करना है, झूठ का कोई भी जगह नहीं है जैनिज्म में, यही लिखा है, देर इज़ नो प्लेस ऑफ लाइज इन जैनिज्म, वन शुड ऑलवेज स्पीक ट्रूथ एंड ओनली दोज हु हैव कंक्वर ग्रीड, ठीक है ना। तो आप हमेशा सत्य बोलना चाहिए, और कि कौन लोग झूठ बोलते हैं, वो लोग झूठ बोलते हैं जो ग्रीड होते हैं, जो मतलब लालची होते हैं, जो डरे हुए होते हैं, जो जेलस होते हैं, दूसरों से जलते हैं, जो इनमें गुस्सा होता है, जिनमें ईगो होता है, वही जो है केवल जो है त्रुट बोलने में जो है डरते हैं, ठीक है ना। एक झूठ को जो पाने के लिए आप जीवन भर झूठ बोलते हो, तो इसी प्रकार से बहुत सारी चीज़ें ये सब चलती है। तीसरी जो चीज़ है अस्टेया, अस्टेया का मतलब होता है चोरी नहीं करना। तीसरा कंसेप्ट है चोरी नहीं करना, कभी भी चोरी की बात नहीं। जैनिज्म इज अगेंस्ट द स्टीलिंग और ग्रैबिंग ऑफ द प्रॉपर्टी। चोरी का मतलब ये नहीं कि किसी का बैग उठा लिया, पानी बटर लिया, नहीं, किसी न तो किसी की प्रॉपर्टी लेना, ना किसी की साइकिल मारना, ना किसी की मोटरसाइकिल चोरी करना, ना कुछ करना, ठीक है। किसी प्रकार की चोरी का कोई कंसेप्ट जैनियों में नहीं है। और आप देखेंगे कि आप जैन मंदिरों में जाएंगे ना, आप अपना मतलब बैग भी छोड़े आएंगे लाखों का, ठीक है, आप भूल भी गए, अगले दिन आए, आए शाम को आए ले गए, तो वो बैग वहीं पड़ा रहेगा। जैन मंदिरों में कोई नहीं उठाता उनको, ठीक है ना, क्योंकि ये एक वाकई में अच्छी चीज़ है, आपको मिलेगी। इस चक्कर में तुम लाखों का सोना कहीं छोड़ मत आया ना, ठीक है ना, उस हिसाब से। पर ये है कि जैनियों में ये वाकई में मंदिरों में आपको इस चीज़ की मिलेगी कि वहाँ पर चोरी का कोई कंसेप्ट नहीं है, ठीक है ना। इसके बाद देखेंगे अपन ब्रह्मचर्य, ठीक है ना। तो ब्रह्मचर्य क्या है, चौथा जो पॉइंट है ब्रह्मचर्य। ये ब्रह्मचर्य का जो कंसेप्ट था महावीर स्वामी ने ऐड किया था, जो शुरू के तीन और एक जो चौथा वाला अपरिग्रह, ये ऑलरेडी जो है 23 तीर्थंकर है वो बोल के चले गए थे चार, परंतु जो पांचवा वाला जो है ब्रह्मचर्य महावीर स्वामी ने ऐड किया था, तो स्पेशली इसको मेरे को नीचे रखना था पर वो ऊपर रखा गया, तो ठीक है आपको इसको याद ऐसा कर लेना, इसको नीचे लिख लेना। ये आखिरी वाला है, इसको महावीर जिस वास्तु एडर्ड बाय द महावीर लिखा भी है, सेलिबेसी डिफर्स टू द टोटल एफ्रम फ्रॉम द सेंशुअल प्लेजर्स इवन थॉट्स एंड सेंशुअल प्लेजर्स, ठीक है ना। तो ये वही लिखा है कि जैनिज्म में जो है सेंशुअल प्लेजर्स को जो है मना किया गया है, और जो है इस प्रकार से ब्रह्मचर्य का पालन करें आप, ये बात की गई है। फिर है अपरिग्रह, इसका मतलब होता है नॉन अटैचमेंट, किसी भी चीज़ से लगाव नहीं। आप जैन मुनियों को देखेंगे, छोटे छोटे बच्चे जो है उनके इसमें वो दीक्षा ले लेते हैं। दीक्षा लेने का मतलब आपने देखा होगा, छोटे छोटे बच्चे जो है महाराजा वगैरह और ये मुनि मुनि बन जाते हैं, उनको दीक्षाएँ दी जाती है, बड़े बड़े महाराजों के अंदर में जो है उनको सारी जो विधि के अनुसार जो है उनको उनको भी छोटे छोटे बच्चों को महाराज बनाया जाता है। शुरुआत में तो जो है वो उनके बड़े महाराजों के साथ में घूमते हैं, और कुछ 18 साल के बाद ही उनको जो है फिर दीक्षा दी जाती है एक्चुअल में। और आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे भी जो हैं जैनियों में महाराज होते हैं, छोटे देखा भी होगा आपने, मंदिरों में आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा। इसीलिए क्या है, धर्म को कभी भी जानना होना तो आप इनके मंदिरों में जाओ, वहाँ की चीज़ें पढ़ो, तो आपको और बहुत सारी बेसिक चीज़ें जो हैं वहीं से पता चल जाएगी। मेरे पढ़ाने से ज़्यादा तो आप किसी मंदिर में चले जाते हो जैन मंदिर में ना, तो वहाँ पर आपको इनसे ज़्यादा डिटेल में चीज़ें मिल जाती। मैंने जो पढ़ाया उसको आप पढ़ ले, उसके बाद आप वहाँ जाएँ मंदिरों में, तो आपको और चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि अच्छा यही होता है, ठीक है। क्योंकि मैं भी गया हूँ तो मेरे को पूरा आइडिया लग गया इसमें। पूरा आइडिया तो लग नहीं सकता, अभी अपन ने पढ़ा है, ठीक है ना, अनेकांतवाद, पूरा आइडिया तो अपने को कभी नहीं हो सकता। एक व्यू बना है मेरा, वन हूँ सिक्स, हाँ। अब इसमें क्या है, नॉन अटैचमेंट, किसी से भी अटैचमेंट नहीं करना, पांचों इंद्रियों को कंट्रोल करना, ठीक है ना, कोई मोह वोह किसी भी चीज़ से नहीं। वन शुड सीक स्पिरिचुअल लिबरेशन थ्रू विड्रॉ फ्रॉम द ऑल अटैचमेंट टू ऑब्जेक्ट डेट प्लीज एनी ऑफ द फाइव सेंस, है ना। किसी भी पांच जो सेंस होते हैं, है ना, देखना, टेस्ट करना, सुनना, महसूस करना, देख, तो इन पांचों सेंस को जो भी चीज़ प्लेजर दे रही है, खुशी दे रही है, उन सभी चीज़ों को त्यागना है, ठीक है ना। महावीर हैज सेड दैट वांट्स एंड डिज़ायर हैव नो एंड। महावीर ने कहा है कि जो अपनी इच्छाएं हैं, चाहत जो है, जो अपन चाहते हैं, उसकी कोई अंत ही नहीं है। आप चाह रहे हो कि मेरा PSC में हो जाए, कोई चाह रहा है कि भैया मेरी नौकरी लग जाए, लगने के बाद भी कोई खुश नहीं है, ठीक है, और PSC में होने के बाद भी कोई खुश नहीं है, उसके बाद भी लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, पूरे जीवन ही स्ट्रगल में निकाल देते हैं, और एट द एंड ऑफ द डे वो फिर यही बुढ़ापे में मंदिर जाते हैं, तब समझ में आता है कि ये सब क्या किया। तो यही है कि जीवन में जब तक इच्छाएं ख़त्म नहीं होगी तब तक आपका कुछ नहीं होना है, तुम ऐसे ही भटकते रहोगे, भटक ही रहे, सभी लोग भटक रहे, हम भी भटक रहे हैं, ठीक है, पूरी दुनिया भटक रही है इच्छाओं के पीछे। इच्छाएं जो है आदमी को जीने नहीं देती। द ओनली द स्काई इज द लिमिट फॉर देम, है ना। द वेल्थ विच ए कॉमन मैन डिजायर टू अटेंड क्रिएट अटेनमेंट विच विल बी कंटिन्यूसली रिजल्ट ऑफ ग्रीड, है ना। और धीरे धीरे जो आदमी धन प्राप्त करता है वो उससे ग्रीडी हो जाता है,
नफरती हो जाता है, सेल्फिशनेस हो जाता है, ईगो उसका हो जाता है और वायलेंस और वो हिंसा को जन्म देने लग जाता है। फॉर ए कॉमन मैन टू ऑब्जर्व ऑल द अबव फाइव वॉज आर डिफिकल्ट एंड दे कैन बी प्रैक्टिस फॉर फॉर द कंडीशन परमिट, ठीक है ना। और किसी भी एक व्यक्ति के लिए इन पांचों चीज़ों को प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। अगर वो प्राप्त कर लेता है तो उसको तीन रत्न प्राप्त हो जाते हैं और वो मोक्ष की तरफ चला जाता है, उसकी आत्मा जो है वो लिबरल हो जाती है, वो परम ज्ञान प्राप्त कर लेता है, सभी मोहमाया से मुक्त हो जाता है। इसीलिए कोई भी इन पांचों से बाहर नहीं है। पूरी दुनिया में हर व्यक्ति इन्हीं पांचों के चक्कर में पड़ा हुआ, किसी न किसी के चक्कर में, ठीक है ना। तो इन्हीं पांचों के चक्कर में जो है दुनिया पड़ी हुई है और इसी के कारण जो है कुछ नहीं होने वाला देश का, दुनिया का मतलब, ठीक है। डिफरेंट स्कूल ऑफ जैनिज्म, अब जैनिज्म के कुछ डिफरेंट स्कूलों की बात करेंगे अपन, ठीक है ना। वही स्कूल का मतलब होता है जैन के जो दो भाग बन गए, ठीक है ना। जिसे अपन ने हीनयान और महायान बौद्धिज्म में पढ़ा था, वैसे जैनियों में दो मेजर भाग होते हैं, एक होता है दिगंबर और एक होता है श्वेतांबर। तो श्वेतांबर किसे कहा गया, जब मगध में 12 साल का अकाल पड़ा, तो जो लोग मगध में रुके, अकाल पड़ने के बावजूद जिन्होंने जैन धर्म को फॉलो किया और मगध में ही रुके, वो लोग जो हैं स्थूलभद्र की लीडरशिप में श्वेतांबर कहलाए। और जो लोग अकाल पड़ने के बाद नॉर्थ इंडिया या मगध को छोड़कर साउथ इंडिया की तरफ, नीचे की तरफ कर्नाटका की तरफ भागे, वो जो लोग हैं वो भद्रबाहु की लीडरशिप में नीचे गए, जिसके कारण जो है उन्हें दिगंबर कहा गया, ठीक है ना। तो अब दिगंबरों में भी, जो दिगंबर और श्वेतांबर होते हैं ना, इनके भी बहुत सारे अलग अलग सब पार्ट हैं। मतलब आप दिगंबर कोई बोलेगा ना, अगर आप पूछोगे कि भैया तू कौन सा जैन है, श्वेतांबर है कि दिगंबर है, तो बोलेगा दिगंबर हूँ। फिर आप पूछोगे दिगंबर में कौन सा, बिसापंथ या तेरापंथी या तारणपंथी, ठीक है, ये तीन होते हैं। बिसापंथ मतलब 20 है ना, ये 20वां लिखा हुआ, 20वें पंथ की बात की गई है इसमें, 20वें पंथ की, 20वां है ना, इसको बोलते हैं ना 20, ये 20, ये वही लिखा हुआ बिसापंथी। ये क्या होते हैं मैं बताऊंगा आपको, ये होते हैं तेरापंथी, है ना, तेरापंथ, तेरा लिखते हैं ना अपन, तेरा 12, 13, 13 नंबर, तेरापंथी। और एक होते हैं तरणपंथी, है ना। तो ये अगर कौन बोलता है कि मैं बिसापंथी हूँ, तो आपको मैं बताऊँगा कि बिसापंथी है तो मतलब वो क्या करता होगा, है ना। तो कोई बोलता है कि मैं तेरापंथी हूँ, तो मैं बताता हूँ फिर आपको कि वो क्या बोलता है, है ना, तरणपंथी। अगर कोई श्वेतांबर मिलता है आपको, कोई व्यक्ति मिला, आपने पूछा कि भैया तू जैन है, तो बता तू श्वेतांबर है कि दिगंबर है, तो उसने बोला भैया मैं श्वेतांबर हूँ। तो फिर आप पूछोगे श्वेतांबर में भी क्या, तो मूर्ति पूजक है, स्थानकवासी है या तेरापंथी है। मूर्ति पूजक मतलब जो मंदिरों में जाते हैं, ठीक है ना, जहाँ पे सामने भगवान की मूर्ति होती है और भगवान की मूर्ति के सामने वो आराधना करते हैं, उनको बोलते हैं मूर्ति पूजक। एक होता है स्थानकवासी, स्थानक में क्या होता है, गुरुओं को ही तवज्जो दी जाती है स्थानक में, या जो जो जैन लोग जो स्थानकवासी श्वेतांबर होते हैं वो मंदिर नहीं जाते, वो इनके जो गुरु होते हैं, जो जैन मुनि होते हैं, जो सबसे बड़े होते हैं, उन्हीं के वो जो प्रवचन होते हैं उन्हीं को सुनते हैं और उन्हीं को फॉलो करते हैं, ठीक है ना। वो मंदिर में जाके मूर्तियों की पूजा नहीं करते, वो अपने गुरुओं की पूजा करते हैं और उनके आज्ञा मानते हैं। डिटेल में और मैं इन सबको बताऊँगा। फिर होते हैं तेरापंथी, इसके अलावा कुछ और सब पार्ट भी होते हैं, गुमानपंथी और तोतापंथ। ये टोटल जो है दो मेन हो गए, दिगंबर और श्वेतांबर, इनको दो को याद रखें। अब इनके डिटेल में मैं अंदर जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ गई ये क्या है, डिफरेंट जैनिज्म स्कूल है। अब इनके बाद इनके अंदर जो पार्ट है उसको मैं डिटेल में डिस्कस करूँगा, एक एक को, तेरापंथी को, बीसपंथी को, है ना, मंदिरवासी, स्थानकवासी और ये सब चीज़ों को मैं डिस्कस करूँगा। सबसे पहले जो दिगंबर और श्वेतांबर है, ये लफड़ा समझ में कि ये है क्या, दिगंबर और श्वेतांबर होते क्या है, जिससे हीनयान और महायान थे, ठीक है ना। यहाँ पर दिगंबर और श्वेतांबर का क्या है, जैन धर्म दो भागों में है, दो प्रकार की विचारधारा मानने वाले लोग हैं जैनियों में ही, एक होते हैं दिगंबर और एक होते हैं श्वेतांबर, ठीक है ना। तो दिगंबर इस कंसेप्ट को फॉलो करते हैं और श्वेतांबर इस कंसेप्ट को फॉलो करते हैं, इसको अपन देखेंगे। ये टोटल मैंने कुछ 10-12-15 पॉइंट बनाए हैं, इनको आप डिटेल में देखेंगे तो अपने को पूरा आइडिया लग जाएगा कि क्या चल रहा है, ठीक है। एक मिनट देखें उसको, मैं आपको समझाता हूँ। क्लियर। तो दिगंबर क्या होते हैं, दिगंबर का मतलब होता है स्काई क्लैड, ठीक है ना।
लिटरली मिले। इस शब्द दिगंबर का मतलब होता है स्काई क्लैड, स्काई क्लैड, क्लैड का मतलब होता है भैया क्या, कपड़े, है ना, वस्त्र जिसको बोलते हैं। तो वस्त्र जो होते हैं, जो मुनि या जो लोग या जो जैन मुनि स्काई, जो मतलब नग्न रहते हैं, ठीक है ना, उनके कपड़े जो होते हैं वो स्काई है, बस आसमान छत है उनकी और वही उनका जो है ढकाव है ना। जो लोग नग्न होते हैं वो दिगंबर कहलाते हैं। और श्वेतांबर मतलब श्वेत अंबर, श्वेत मतलब सफ़ेद, अंबर का मतलब होता है कपड़ा, हिंदी में संधि विच्छेद है। इंग्लिश में जो वाइट क्लैड मतलब सफ़ेद और क्लैड मतलब कपड़ा, जो वाइट कपड़ा पहनते हैं उन्हें श्वेतांबर, समझ में आ रही है ना बात। और यहाँ बोलते हैं दिगंबर, दिगंबर मतलब जिनके लिए दिग मतलब जो आसमानी है, वही उनका जो है वस्त्र है, मतलब वो नग्न अवस्था में रहते हैं। जैन मुनि होंगे आपने देखे होंगे, तो ये होते हैं स्काई क्लैड या नग्न रहते हैं, और ये जो होते हैं सफ़ेद वस्त्र पहनते हैं, आपने देखे होंगे पूरा डिटेल में। दे रिप्रेजेंट द जैनिज्म हु मूव्ड द साउथ, है ना। और दिगंबर कौन से लोग थे, जो साउथ में चले गए थे भद्रबाहु के लीडरशिप में, जो साउथ में चले गए थे जब मगध में जो है 200 साल, मगध में जो है 12 साल का अकाल पड़ा था, जो मैंने अभी आपको बताया था। और ये लोग कौन से लोग थे, जो मगध में जब अकाल पड़ा तो मगध में ही रुके, स्थूलभद्र इनका लीडर था और उन्हीं के अंडर में जो है जैन धर्म को इन्होंने आगे बढ़ाया। तो ये हो गए भाई साहब कौन, श्वेतांबर, ठीक है ना। इसी कारण जो है ये सफ़ेद वस्त्र पहनने पड़े, क्योंकि जब अकाल वगैरह पड़ा तो वहाँ की स्थिति ठीक नहीं थी, इस कारण जो इन्होंने अपने बचाव के लिए वस्त्र का प्रयोग किया। इन लिए लोग नीचे चले गए थे, वहाँ कोई दिक्कत नहीं आ रही थी, तो इन्होंने वस्त्र त्याग दिया। अकॉर्डिंग टू द दिगंबर ट्रेडिशन ऑन अटेंडिंग एनलाइटमेंट एंड ओमनिसेंट डज नॉट एक्सपीरियंस हंगर थ्रस्ट स्लीप डिजीज ऑफ फियर, है ना। दिगंबर विचारधारा के अनुसार यदि किसी व्यक्ति ने परम ज्ञान मोक्ष प्राप्त कर लिया है, तीर्थंकरों के लेवल का अगर कोई व्यक्ति बन गया है, तो फिर वो सभी चीज़ों से मुक्त हो जाता है, ठीक है ना। डज नॉट एक्सपीरियंस, और उसे किस चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं होता, ना तो उसे भूख लगती है, ना प्यास लगती है, ना उसे नींद आती है, ना उसे कोई बीमारी होती है, ना उसे कोई डर होता है, उसको ना कोई लालच होता है, अगर वो व्यक्ति मोक्ष होता है। ये दिगंबर विचारधारा है। श्वेतांबरों में क्या है, अकॉर्डिंग टू द श्वेतांबर ट्रेडिशन एन ओमनिसेंट डज रिक्वायर फूड, और श्वेतांबरों के अनुसार ये बोला गया है कि जो ओमनिसेंट भी होता है, जो परम ज्ञानी भी होता है, उसको खाने की जरूरत तो पड़ती है। इन्होंने बोला कि वो भूख भूख से भी परे हो जाता है, इन्होंने बोला नहीं भैया ये बाकी चीज़ें तो ठीक है, फियर वियर नींद वीन, पर जो है भूख जरूरी है, ये श्वेतांबरों ने बोला है। अगला पॉइंट है, अकॉर्डिंग टू द दिगंबर ए वुमन लैक्स ऑफ काइंड ऑफ बॉडी एंड विल पावर रिक्वायर्ड टू अटेन लिबरेशन, शी हैज़ टू बी रिबॉर्न एज अ मैन बिफोर सच ए अटेनमेंट इज पॉसिबल। दिस स्कूल ऑफ जैनिज्म डज नॉट एक्सेप्ट नाइदर थिंकिंग एज ए फीमेल बट रेदर एज ए नेम ऑफ द मालीनाथ, ठीक है ना, मल्लीनाथ जिसको बोलते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे ये बोला है कि जो दिगंबर जो विचारधारा के लोग हैं वो महिलाओं को ज्ञान प्राप्त करने के लिए उपयोगी नहीं मानते हैं, वो उन्हें योग्य नहीं मानते हैं। अगर किसी महिला को ज्ञान प्राप्त करना है या केवलीन बनना है या तीर्थंकर बनना है, परम ज्ञान प्राप्त करना है, तो उसे दोबारा जन्म लेके एक पुरुष बनना पड़ेगा, और जब वो पुरुष बन के आएगा तभी उसे ज्ञान मिलेगा। एक महिला जो है ज्ञान प्राप्त करने योग्य या तीर्थंकर बनने योग्य नहीं है। इसी के कारण दिगंबरों में जो जैनियों में जो 19वें तीर्थंकर होते हैं, जिसको मालीनाथ बोला जाता है, दिगंबर उन्हें मालीनाथ बोलते हैं, और श्वेत, है ना। तो इसी के कारण जो है जो 19वें तीर्थंकर हैं वो फीमेल थी, पर तो दिगंबर उसे फीमेल नहीं मानते हैं, और उनका नाम बदल के उन्होंने मल्लीनाथ की जगह मालीनाथ रख दिया है, ये लिखा है ना मालीनाथ, ठीक है, बात समझ में आ गई आपको। 19वें तीर्थंकर की अश्वेतांबरों की विचारधारा देखते हैं, वुमन्स आर कैपेबल ऑफ अटेंडिंग द सेम स्पिरिचुअल, है ना। इन्होंने बोला कि जो वुमन्स है वो कैपेबल नहीं होती मोक्ष प्राप्ति के लिए, पर श्वेतांबरों ने बोला कि वो कैपेबल होती है, और इसी कारण जो है 19वें तीर्थंकर को जो है श्वेतांबर लोग एक फीमेल मानते हैं, महिला मानते हैं, और जिनका नाम मालीनाथ कहा जाता है। तो श्वेतांबर अगर आप टेक्स्ट पढ़ेंगे तो 19वें तीर्थंकर का नाम आपको माली, है ना, मालीनाथ मिलेगा, और यहाँ पर जो है इसको आपको मल्लीनाथ मिलेगा। बात समझ में आ गई आपको। दिगंबर ट्रेडिशन होल्ड डेट महावीर डिड नॉट मैरी, दिगंबरों ने कहा है क्या कि महावीर की कभी शादी नहीं हुई थी, परंतु श्वेतांबरों ने क्या कहा है कि महावीर की शादी हुई थी, ठीक है ना। उन्होंने 30 साल तक आम जनजीवन, जो लोगों का जीवन होता है, वो व्यापन किया। उसके बाद उनकी पिता और माता की मृत्यु के बाद ही जो है वो साधु बने और उन्हें परम ज्ञान या केवलीन प्राप्त हुआ। दिगंबर ट्रेडिशन रिप्रेजेंट एन आइडियल ऑफ तीर्थंकर्स आर एज न्यूड अबेंडेंट एंड विड्रॉ
विद डाउन कास्ट आई इन द कंटेम्पलेटिव मोड। दिगंबरों में जो तीर्थंकर होते हैं, अगर आप दिगंबर मूर्तियों को जाके देखेंगे किसी मंदिरों में, तो आपको जो मूर्तियाँ दिखेगी वो एक तो न्यूड होगी, है ना, उस पर वस्त्र नहीं होंगे, दूसरा वो अबेंडेंड होंगे, है ना, अकेले होगी, और तीसरा उनकी जो आंखें होगी वो नीचे की तरफ डाउन कास्ट झुकी हुई होगी, और वो इस प्रकार की मुद्रा में, मौन की मुद्रा में ऐसे बैठे होंगे। ये दिगंबर मूर्तियों की पहचान होती है। श्वेतांबरों में क्या, श्वेतांबर ट्रेडिशन डिपिक्ट द आइडियल्स ऑफ तीर्थंकर वेयरिंग लायन क्लॉथ। श्वेतांबरों में जो मूर्तियाँ होती है, श्वेतांबरों के जो, अगर आप मंदिरों में जाएंगे, मंदिर वासियों में, तो वहाँ पर आपको मूर्तियाँ दिखेगी, उन मूर्तियों पर वस्त्र भी होंगे, है ना, एडोर्न विद ज्वेल्स, उनके ऊपर जेवरात वगैरह और ऐसे ऐसे हार बने हुए चमकते हुए वो भी मिलेंगे, और उनकी जो आंखें होगी वो भी होगी, वो भी खुली हुई होगी। ठीक है, तो जब भी आप किसी मंदिर में जाएं, अब आपको पता नहीं है कि वो दिगंबर वाला मंदिर है कि श्वेतांबर वाला मंदिर है, तो सामने जो मूर्ति है आप उसको देखें, अगर उसकी आंखें बंद है वो और इस प्रकार से मौन में ऐसे बैठी हुई है मूर्ति, तो वो दिगंबर की है। अगर वो आंखें खुली हुई है और आपको देख रही है और आप भी भगवान को देख रहे हैं, तो श्वेतांबर। क्लियर है? श्वेतांबरों में भी तीन होते हैं ना, तो ये मैं मंदिर वाले बात बता रहा हूँ डिटेल, इसमें और डिटेल में जाना है अभी तो बहुत, पढ़ते रहो आप जितना पढ़ना चाहिए तुमको, ढेर है। सातवां पॉइंट क्या बोल रहा है, द दिगंबर एसेटिक्स मस्ट गिव अप ऑल ऑफ हिज पोजीशन इंक्लूड कॉल्ट एंड इज अलाउड टू हैव रोज हराना पिकअप फेस ब्रोम ब्रश अवे इंसेक्ट्स एंड कमंडर। ठीक है ना, दिगंबरों को क्या होता है, सभी प्रकार के जो पोजिशन है सभी चीज़ों को त्यागना पड़ता है, और एक मोर का एक पंख, जिसे मोर, जिससे वो जो कोई इंसेक्ट मक्खी या ऐसा कुछ आता है साफ़ करने के लिए, धूल वगैरह साफ करने के लिए जब बैठते हैं तो वो उस मोर पंख का प्रयोग करते हैं, है ना, तो और एक कमलडल होता है इनके, जिसमें ये पानी वगैरह और ये लेके, सॉरी वो वुडन वाटर पॉट होता है जिसके लिए ये पानी रखते हैं। ठीक है, तो दिगंबरों में ये बात होती है। अब श्वेतांबर में क्या था, श्वेतांबर एसेटिक इज अलाउड टू हैव 14 बिलोंगिंग्स। श्वेतांबरों के जो मुनि होते हैं, हमारे साहब होते हैं, उनके पास 14 चीज़ें हो सकती है, 14 चीज़ें हो सकती है, जिसमें क्या क्या है, कपड़े तो होते ही हैं उनके, लायन क्लास जो अंग वस्त्र होते हैं वो भी होते हैं, है ना, राजोहरना भी होता है, राजोहरना मतलब वही जो साफ करने का वो रहता है ना, पहले क्या होता था, मोर पंख से जो है साफ करते थे, ठीक है ना, उससे कीटाणु मरते नहीं है, क्योंकि जैनी में अहिंसा वाला कंसेप्ट है, कीटाणु को भी नहीं मार सकते हैं लोग, तो वो उस मोर पंख से ऐसा कर देते हैं तो वो साफ हो जाता है और कोई मरता भी नहीं है। बैगिंग्स बॉल्स एंड बुक्स, है ना, तो ये सब चीज़ें जो हैं ये लोग ले सकते हैं, बाउल्स रख सकते हैं, किताबें रख सकते हैं, ये लोग नहीं रख सकते, इनके पास बस दो चीज़ें होती हैं। इन जैनिज्म डिस्करेज डिलीवर्ड बाय तीर्थंकर इज नोन एज श्रुत जना एट कंप्राइज ऑफ, है ना, इन जैनिज्म, है ना, तो ये सब चीज़ें हैं। दिगंबर ये सोचते हैं कि जो ओरिजिनल टेक्स्ट है, वो जो जेन्युइन टेक्स्ट है जैनिज्म का, वो बहुत साल पहले ख़त्म हो चुका है, गायब हो चुका है, अभी नहीं है। ठीक है ना, दे रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द अचीवमेंट ऑफ द फर्स्ट काउंसिल विच मेट अंडर द लीडरशिप ऑफ आचार्य स्थूलभद्र एंड द कंसिक्वेंटली रियलिस्टिक ऑफ द अंग्स। इन्होंने जो जेन्युइन की जो किताबें होती है, जिसको अंग बोला जाता है, जिनके लिटरेचरों को, है ना, जैनियों की जो किताबें होती हैं उनको अंग बोला जाता है, उन किताबों को मानने से दिगंबरों ने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि वो जो किताबें थी वो एक श्वेतांबर गुरु के अंडर में लिखी गई थी, और दिगंबर श्वेतांबर से अलग होते हैं, वो उन विचारधारों को नहीं मानते, और वो ये बोलते हैं कि जो जैनियों के जो ओरिजिनल महावीर स्वामी वाले जो कंसेप्ट है वो तो कब के खो गए हैं, तुम लोगों ने जो बनाए हैं इसे हम नहीं मानते, ये दिगंबर बोलते हैं। अब श्वेतांबर क्या बोलते हैं, द श्वेतांबर बिलीव इन द वैलिडिटी एंड द सेक्रेडनेस ऑफ द कैनोनिकल लिटरेचर 12 अंग्स एंड सूत्र। और श्वेतांबर जो है स्थूलभद्र की अनुयायी अगुवाई में जो 12 अंग बने, अंग का मतलब होता है लिटरेचर, 12 किताबें, कौन सी किताबें मैं अगले आगे वाले स्लाइड में बताऊंगा, सूत्र जो थे और बहुत सारे जो और सूत्र किताबें और जो बनाई थी वो श्वेतांबर इनको मानते हैं, और ये लोग नहीं मानते दिगंबर। इसके अलावा तत्वर्था सूत्र इज द मोस्ट अथॉरिटी टेक्स्ट इन जैनिज्म एक्सेप्ट बाय, है ना, तो एक ये सूत्र है तत्वर्थ सूत्र, इसको ये दोनों लोग मानते हैं, कुछ को ये दोनों मानते हैं और बाकी को ये लोग मना करते हैं, बोले कि ये सब चीज़ें नहीं है, सब घूम गई है, तो तुमने लिखी है। तो ये इतनी अपने को चीज़ें कंसेप्ट समझ में आया, इतना अपने को समझ में आया, ठीक है ना, आज की क्लास तक। इसके बाद की क्लास में अगले आगे लेऊँगा, और जो बचा हुआ जो जैनिज्म का टॉपिक है उसको मैं कल कंप्लीट करूँगा। मुझे लगता है कि आपको जैनिज्म बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो ये नोट्स कंप्लीट कर रहे हैं मेरे हिस्से पढ़ाने से, अगर आप ऑलरेडी मेंस दे रहे हैं, एक बार पढ़ चुके हैं, तो मेरे इन नोट्स से आप जो अच्छी चीज़ लगती है आपके कंटेंट को और अच्छा इम्प्रूव करें और इसको शेयर करें, ठीक है ना। इसके पहले के जो वीडियो हैं वो चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे आपको, GLC पे, IAS पे, उस पर आप जाके
अपनी क्लासेस को कंप्लीट करें, देखते रहें, ठीक है। थैंक यू, अगली क्लास में मिलते हैं फिर।